विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण संत कबीर या पाठाचा भाग क्रमांक 3 पाहूया। एकदा ते गंगेच्या तीरावर गेले। एक बार क्या हुआ कि संत कबीर जो गंगा नदी है उसके किनारे गए। तीते एक मठ होता, वहां पर एक साधु के ठहरने की लिए कमरा था, रूम था। कबीर त्या मठात गेले। कबीर भी जो है उस मठ के अंदर गए। तीते एक स्त्री बैराग्यांच्या भिक्षा पात्रात दूध वाढत होती। एक औरत वहां पर जो साधु है संत है उनके मांगने के प्याले में दूध बांट रही थी। कबीर यांनाही एका पात्रात दूध दिले। कबीर को भी एक बर्तन के अंदर दूध दिया गया। सर्व बैरागांनी दूध पिऊन आपापली पात्रे रिकामी केली। सभी साधुओं ने उस बर्तन को से दूध पीकर उस बर्तन को खाली किया। कबीर यांचे पात्र जसे से तसे काटोकोट भरलेले होते। कबीर का जो बर्तन है दूध से लबलब भरा हुआ था। ते पाऊन वो देखकर तीने कबीर यांना विचारले। उसने उस औरत ने कबीर से पूछा, महाराज आपण दूध का घेतले नाही। संत कबीर से उस औरत ने पूछा कि महाराज आपने आपके बर्तन का दूध क्यों नहीं पिया। त्यावर कबीर मनाले। उसके ऊपर कबीर बोलने लगे, तो पहा मठा बाहेर एक आंधळा बसला आहे। वो देखो इस मठ के बाहर एक अंधा आदमी बैठा हुआ है। उपाशी आए तो वो जो है भूखा है। त्याला त्यावर कवी म्हणाले, या दुधाची अधिक गरज आहे। त्याला उस अंधे आदमी को उस दूध की ज्यादा जरूरत है। साधु का यानी आंधळा का है, साधु क्या और अंधा क्या, राम का है रहीम का है, राम क्या और रहीम क्या, सारे एकच आहे, सभी एक है। आपन सारे एकच ईश्वराची लेकरे आहोत। हम जो है सभी एक ही खुदाए ताला के बच्चे है। भाव तिथे देवास्तो, जहां पर इंसान के जज्बात होते हैं वहां पर खुदाए ताला मिलता। आपण मनापासून भक्ती केली तर ईश्वर प्रसन्न होतो। हमने दिल से इबादत की तो खुदाए ताला हम पर खुश होता है। चांगले काम हाती घ्यावे, इंसान ने अच्छे काम करना चाहिए ते उत्तम प्रकारे करावे और उनको अच्छे से करना चाहिए। सर्वांवर प्रेम करावे, सभी से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। खरे बोलावे, सच बोलना चाहिए। असे ते नेमी म्हणत वैसा हमेशा से कहते थे।